वन विभाग के अधिकारी की सरकार ने एक्सप्लेनेशन कॉल की है। वहीं त्रियुंड एंट्री फीस को सरकार ने बंद कर दिया है। ये सब बातें धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा ने कही हैं। सुधीर शर्मा ने कहा है कि जदरांगल में सीयू का भवन निर्माण भी जल्दी ही शुरू होगा। सुधीर ने कहा कि रविवार सुबह ही उनकी सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से बात हुई है। सुधीर ने कहा कि सीएम के आदेश पर त्रियुंड की एंट्री फीस को बंद कर दिया गया है, ट्रैक को सभी के लिए खोल दिया गया है। उन्होंने कहा कि आदि हिमानी चमुंडा मार्ग पर लगाई गई सोलर लाइट्स काटने के मामले में उन्होंने खुद FIR दर्ज करवाई है। वन विभाग के अधिकारी की सरकार एक्सप्लेनेशन कॉल कर रही है। गौरतलब है कि वन विभाग द्वारा इको टूरिज्म सोसाइटी के माध्यम से पहले जहां त्रियुंड के लिए एंट्री और टेंटिंग फीस लगा दी गई थी, जिसे हाल ही में ऑफ सीजन का हवाला देते हुए 50% कर दिया गया। जब ये फीस लगाई गई थी उस समय भी इसका काफी विरोध हुआ था, लेकिन इसके बावजूद वन विभाग वसूली करता रहा। वहीं आदि हिमानी चामुंडा मार्ग पर लगी सोलर लाइट्स को बंद कर दिया गया था, जिस पर लोगों के विरोध के चलते विधायक सुधीर शर्मा ने FIR दर्ज करवाई है। देखिए, जहां तक केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला का सवाल है, आपको याद होगा कि सबसे पहले ये केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के लिए दिया गया था। उसके बाद इंद्रनाथ की जगह जो है वो रिजेक्ट हुई। 2012 में मैं यहां आया, हमने जदरांगल की जगह चिन्हित करवाई, उसकी सारी फॉर्मेलिटीज हो चुकी हैं और केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए औपचारिकताओं में सिर्फ प्रदेश की तरफ से 30 करोड़ रूपये जमा होना है और इस बारे में मेरी मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई है। शीघ्र ही ये पैसा जो है वो जमा होने जा रहा है और जदरांगल में जल्दी ही केंद्रीय विश्वविद्यालय का काम शुरू होगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय के हर संघर्ष में मैं अपने क्षेत्रवासियों के साथ हूं और उनकी आवाज जो है हर जगह हर प्लेटफॉर्म पर बुलंदी से उठाई जाएगी और ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है। हमने जगह ढूंढी है और हम ही इसका निर्माण कार्य जो है वो शुरू करवाएंगे, ये मैं विश्वास देना चाहता हूं। जहां तक आदि हिमानी चामुंडा के ऊपर लगी हुई सोलर लाइटों की बात है, आज सुबह ही मेरी जो है इस बारे में चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी से हुई है। उन्होंने विभाग को निर्देश दिए हैं कि दोबारा से उन लाइटों को लगाया जाए। जो भी इसमें दोषी अधिकारी होंगे उनकी एक्सप्लेनेशन कॉल होगी, सस्पेंड होंगे। इसके ऊपर मैंने पहले ही खुद व्यक्तिगत रूप से थाने में FIR करवा रखी है और कोई भी ऐसे अधिकारी जो मनमाने रूप से कार्य कर रहे हैं, ये प्रदेश में जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है, जैसा लोग चाहेंगे वैसा कार्य होगा, किसी की मनमानी यहां चलने नहीं देंगे। और जो त्रियुंड और अन्य ट्रैकों पर फीस लग रही थी, जो वसूली जा रही थी वन विभाग द्वारा, उसके ऊपर भी आज सुबह ही मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं और उस पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है और हम चाहते हैं कि यहां पर्यटन बढ़े, रोजगार बढ़े, सारी चीजें आए और जो लोग इसके रास्ते में आएंगे, इसमें अड़ंगा अड़ाएंगे, वो हमारे मित्र नहीं है और उनको किस तरह से डील करना है ये हमें अच्छी तरह आता है और ये इनको भी चाहिए कि कम से कम मेरे संयम की परीक्षा न लें।